कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1692 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। वहीं वायदा बाजार में 374 करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर रहे हैं और साथ ही कैश मार्केट की अगर बात करें 1170 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली सिर्फ कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी की आंकड़े हैं। इसके अलावा आप देखिए वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली और कैश मार्केट में डीआईएस भी बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए साथ ही विदेशी बाजार के संकेत किस तरह से भारतीय बाजार पर असर करेंगे आज के लिए पहली रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए ये अब जान लेते हैं। रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत जिस तरह से दिख रहे हैं और साथ ही फेड की पॉलिसी से पहले एक सीमित दायरे में कामकाज है, भारतीय बाजार पर कल का ट्रेडिंग सेशन जैसा रहा उन्हें देखते हुए आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी, आज के लिए सेटअप कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए उम्मीद के मुताबिक ही अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन रहा है कि जब भारतीय बाजार बंद थे लगभग 125 नीचे ही डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, कमोबेश सीमित दायरे में कारोबार करके वैसी क्लोजिंग वहां पर मिली है, तो कोई खास बदलाव है नहीं और बाकी संकेत भी आपको एकदम सुस्ती के नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आई थिंक आज जिस तरह से रात को फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार अपना आगे का डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेंगे और भारतीय बाजार भी सीमित दायरे में ही है, निचले स्तरों से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखता है और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी, क्योंकि आज के लिए फॉरेक्स चेंज अच्छी बात है कि कल के सेशन के एफआईएस के आंकड़े कई दिनों बाद खरीदारी के आते हुए दिखे, 1700 करोड़ की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में होती दिखी है और वायदा कारोबार में भी स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में उन्होंने बिकवाली से हाथ रोका है, तो कुल मिलाकर थोड़ा एक सपोर्ट आपको जो आता दिखेगा वो एफआईएस की खरीदारी के आंकड़ों के दम पर आता दिखेगा। और अगर आज आप एसजेएक्स निफ्टी ऊपर मजबूत देख रहे हैं तो उसकी वजह यही है न कि बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का असर, तो एफआईएस की खरीदारी के दम पर थोड़ी रिकवरी आने के आसार है। ऐसे में अब आज के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल है वो आप ये मानकर चल सकते हैं 14,750 14,825 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 15,175 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 34,400 एक अच्छी सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर भी 35,300 तक जाने की बैंक निफ्टी की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि संकेत ठीक है और इन अच्छे संकेतों के दम पर थोड़ी खरीदारी आज होने की संभावना है, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने में ज्यादा समझदारी है, वहां पर एक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल अनिल सर शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली स्ट्रेटजी यहाँ पर आपके सामने 14,750 से 14,825 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे और ध्यान में रखिए एफआईएस के जो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं ये कैश मार्केट में जो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे ये जरूर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। साथ ही निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें तो 15,000 के पार यहाँ पर हम देख सकते हैं 15,100 से 15,175 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी 34,400 से 34,600 34,400 से 34,600 इसे सपोर्ट जोन के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं और साथ ही ऊपरी रेंज 35,300 से 35,500 की रहेगी।